हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टूटलेज एकेडमी। आज डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले देखते हैं बेसिक फार्मूला। ठीक है, प्रॉफिट और गेन, जो प्रॉफिट और गेन का जो फार्मूला है, एसपी माइनस सीपी है। जो एसपी है वो सेलिंग प्राइस है, लिखता हूँ मैं सेलिंग प्राइस। एंड जो सीपी है वो होगा कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस। ओके, तो वैसे ही प्रॉफिट के लिए है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, एंड लॉस के लिए है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। लॉस में क्या होता है, आपका कॉस्ट प्राइस होता है वो मैक्सिमम होता है, सेलिंग प्राइस कम होता है, यानी जितने में आप परचेस किए हैं उससे कम में अगर सेल करते हैं तो आपको लॉस होगा ही। और प्रॉफिट वैसे ही है, जैसे सेलिंग प्राइस आप ज़्यादा रखते हैं और कॉस्ट प्राइस कम होता है तो आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला। प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी, यानी कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ठीक है, वैसे ही लॉस परसेंटेज होता है लॉस अपॉन सीपी इनटू 100। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले पे सारे क्वेश्चन बनेंगे, देखते हैं अब आगे की तरफ। ओके, तो अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, राजू परचेस अ मोबाइल एट ₹1500 एंड सोल इट ₹1200, फाइंड लॉस एंड लॉस परसेंटेज इंकॉर बाय हिम। अब देखिए, परचेस किया है यानी कॉस्ट प्राइस है 1500 और सेल किया है यानी सेलिंग प्राइस है इसका 1200। तो यहाँ पे दिख ही रहा है कि मतलब सीधे सीधे 300 का लॉस उसको हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग लॉस निकाल लेते हैं। लॉस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस सीपी माइनस एसपी। तो कॉस्ट प्राइस हो गया 1500 माइनस 1200 सेलिंग प्राइस इक्वल टू हो जाएगा 300। ठीक है, तो लॉस तो निकल गया, अब लॉस परसेंटेज निकालेंगे। तो देखते हैं, लॉस परसेंटेज इक्वल टू लॉस अपॉन सीपी इनटू 100। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे, लॉस का जो वैल्यू आया है ये 300 का पुट करते हैं। 300 अपॉन सीपी, कॉस्ट प्राइस ये ऊपर दिया है 1500, इसको पुट करेंगे 1500 इनटू 100, इसको कट कर लेते हैं। अब 15 2 जा 30 हो जाएगा, यानी ये 20 हो जाएगा, तो लॉस परसेंट हो जाएगा 20%। ओके, तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल आते हैं, मतलब ये टॉपिक ही काफ़ी आसान है। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब नेक्स्ट रूल देखते हैं कुछ यहाँ पे फार्मूला, इसको भी फार्मूला बोल सकते हैं। इफ़ सेलिंग प्राइस एंड गेन परसेंटेज आर गिवन, गेन परसेंटेज जो होता है प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट परसेंट भी बोल सकते हैं इसको, या फिर पी परसेंटेज भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस और गेन परसेंटेज दिया हुआ है, तो कॉस्ट प्राइस निकालना है आपको सीपी। सीपी इक्वल टू हो जाएगा 100 अपॉन 100 प्लस पी परसेंटेज, ये गेन परसेंटेज भी लिख सकते हैं यहाँ पे, तो इसी को मैंने शॉर्टकट में पी परसेंटेज लिखा हूँ। पी परसेंटेज इनटू सेलिंग प्राइस एसपी। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब देखिए सेकंड देखते हैं, इफ़ कॉस्ट प्राइस एंड गेन परसेंटेज आर गिवन, तो सेलिंग प्राइस हम लोग निकालेंगे। सेलिंग प्राइस इक्वल टू, ये भी वैसे ही हो जाएगा 100 प्लस पी परसेंटेज अपॉन 100 इनटू कॉस्ट प्राइस, ये इसका फॉर्मूला हो गया। तो देखना ये फॉर्मूला कैसे हो रहा है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको। अब थर्ड देखते हैं, कॉस्ट प्राइस एंड लॉस परसेंटेज आर गिवन, तो सेलिंग प्राइस हम लोग निकाल लेंगे। सेलिंग प्राइस इक्वल टू होगा 100 माइनस लॉस परसेंटेज, लॉस परसेंटेज अपॉन 100 इनटू कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ऐसे कर देंगे, तो ये इसके साथ रिलेट हो रहा है। यहाँ पे गेन है तो ये प्लस है यहाँ पे, और यहाँ पे लॉस है तो ये माइनस है, फॉर्मूला एक जैसा ही है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ, इफ सेलिंग प्राइस एंड लॉस परसेंटेज आर गिवन, तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे, इसको ये कर देते हैं, कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे। तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा
सेलिंग प्राइस अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंटेज इनटू 100। तो देखिए ये जो फॉर्मूला है फोर्थ नंबर, ये इसके साथ है, इसके साथ रिलेट हो रहा है। ये गेन परसेंटेज है और सेलिंग प्राइस और गेन परसेंटेज है, तो यहाँ पे प्लस है, और यहाँ पे देखिए सेलिंग प्राइस है और लॉस परसेंटेज है, तो यहाँ पे माइनस है। फॉर्मूला सेम है, ये यहाँ पे भी हो सकता है, जैसे ये 100 मान लो यहाँ नहीं लिखते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं 100 इनटू, और यहाँ पे सेलिंग प्राइस ले सकते हैं, तो फिर इसके जैसे हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये बहुत इम्पोर्टेंट एक फार्मूला है, इफ़ कॉस्ट प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ वाई आर्टिकल्स व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, तो इसको देखते हैं फार्मूला, प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज इक्वल टू होता है एक्स माइनस वाई अपॉन वाई इंटू 100। ठीक है, जैसे ये कॉस्ट प्राइस है, सीपी जो है यहाँ पे बताना भूल गया, ये एक्स है, ठीक है, और ये सेलिंग प्राइस वाई है, यानी एसपी जो है इक्वल टू वाई लिया है, तो एक्स माइनस वाई अपॉन 100। तो इसी फॉर्मूला पे ये क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला, आप लोग सॉल्व कीजिए साथ साथ। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 11 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स व्हाट इज प्रॉफिट परसेंटेज। तो देखते हैं, पहले फार्मूला लिखते हैं, प्रॉफिट इक्वल टू, वैसे ये सेलिंग प्राइस है यानी वाई है, यहाँ पे दिया हुआ है सेलिंग प्राइस वाई, तो वाई इक्वल टू 11 है और एक्स कॉस्ट प्राइस एक्स है, एक्स इक्वल टू 15 है, तो क्या हो रहा है हमारा फार्मूला, एक्स माइनस वाई अपॉन वाई इंटू 100। तो वैल्यू पुट करते हैं, 15 माइनस 11 अपॉन 11 इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ मैं सॉल्व कर लेता हूँ, 15 माइनस 11 4 अपॉन 11 इंटू 100। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 4 इंटू 100 400 अपॉन 11, यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे, 400 को रख कर 11 से करेंगे तो 3 टाइम्स में जाएगा। ठीक है, तो ये मुझे करने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, आपको पता है, आप ये कर लेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर जो आएगा, मैं आंसर लिख देता हूँ डायरेक्ट, 36.36 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और फ्रेंड्स इसके पहले मैं परसेंटेज का टॉपिक भी अपलोड किया हूँ इस चैनल पे, आप वहाँ पे परसेंटेज के टॉपिक जाकर देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा है। अब ठीक है, ये देखते हैं, टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 30% इज इक्विवेलेंट टू अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ। देखिए जब भी ऐसे आ जाएगा टू सक्सेसिव डिस्काउंट या थ्री सक्सेसिव डिस्काउंट, तो इसका एक फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है एक्स प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन 100%। ठीक है, तो इस फॉर्मूला पे वैल्यू पुट करते हैं, ये मान लीजिए एक्स हो गया और ये जो है वाई हो गया, तो एक्स प्लस वाई यानी 20 प्लस 30 माइनस 20 इंटू 30 अपॉन 100। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, 50 हो जाएगा, 20 प्लस 30 50 माइनस 3 टू जा 6 600 अपॉन 100, ये 0 0 कैंसिल कर देंगे। अब देखिए क्या बच रहा है यहाँ, 50 माइनस 6, तो 50 माइनस 6 इक्वल टू हो जाएगा 44%। ठीक है, यहाँ पे परसेंटेज था, ये 44% आंसर हो गया। और नेक्स्ट देखिए, सेम टाइप का क्वेश्चन है, फाइंड द सिंगल डिस्काउंट विच इज इक्विवेलेंट टू थ्री सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20%, 30% एंड 40%। यहाँ पे देखिए थ्री सक्सेसिव डिस्काउंट दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे टू था, यहाँ पे थ्री है, तो कुछ नहीं करना, वैसे ही करना है, पहले किसी भी दो को ले लेंगे, तो इस दोनों को एक का ही ले लेते हैं, सेम इसी फॉर्मूला पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो ये इसी दो पे ले लेते हैं, तो 20 प्लस 30 माइनस 20 इंटू 30 अपॉन 100,
तो ये यहाँ भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं 44%, तो डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं 44%। अब ये जो 44% हो गया, ये हो गया मान लीजिए एक्स, और इसको ले लेते हैं यहाँ पे वाई। पहले तो इसको एक्स और इसको वाई लिए थे, अब जो इन दोनों का आंसर आया तो इसको एक्स ले लेते हैं, इसको वाई, और फिर से वैल्यू पुट करके आंसर निकालते हैं। एक्स हो गया 44 प्लस वाई हो गया 40%, 40% माइनस 44 इंटू 40 अपॉन 100, तो ये हो जाएगा 84 माइनस 1760 अपॉन 100। ओके, तो ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर देते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा 84 इंटू 10 यानी 840 माइनस ये 176, तो ये हो जाएगा अपॉन 10। ठीक है, तो यहाँ मैं सॉल्व कर लेता हूँ यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 664 अपॉन 10। तो 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 10 से डिवाइड होता है यानी एक पॉइंट यहाँ आ जाता है, तो 66.4% आंसर हो गया। सॉरी इधर लिख देता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा 66.4%, ये आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाई सेलिंग अ बुक ऑफ रुपीज 495 और शॉपकीपर इनकर्स अ लॉस ऑफ 10%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक फॉर द शॉपकीपर। तो देखिए, सबसे पहले सेलिंग अ बुक यानी सेलिंग प्राइस दिया है, पहले तो डाटा लिख देते हैं 495 सेलिंग प्राइस है, और लॉस हो रहा है यहाँ पे 10% का, यानी लॉस परसेंटेज में दिया हुआ है 10। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस यानी सीपी, तो इसका फार्मूला देख लेते हैं। इसके पहले जो मैं बताया था वहां से फार्मूला दिखा देता हूं आपको। ये देखिए सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस और गेन परसेंटेज, नहीं ये फार्मूला होगा सेलिंग प्राइस और लॉस परसेंटेज दिया है, तो फार्मूला ये हमारा है 100/100 माइनस लॉस परसेंटेज इंटू सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये क्वेश्चन हो गया। तो कॉस्ट प्राइस इक्वल टू हो जाएगा सेलिंग प्राइस अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंटेज इनटू 100। तो सेलिंग प्राइस आपको यहां पे दिया है 495, पुट करते हैं वैल्यू 495 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट, 100 माइनस लॉस परसेंटेज है 10 इंटू 100। तो ये सॉल्व करते हैं 495 अपॉन ये 90 हो जाएगा, 100 माइनस 10 90 इंटू 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर देते हैं। अब आ गया आपका ये 495 इंटू 10, तो 4950 डिवाइडेड बाय 9, इसको सॉल्व करते हैं, इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ मैं। अगर किसी को सॉल्व नहीं करने आता है तो उसके लिए मैं बता देता हूँ कैसे इसको सॉल्व करेंगे। इसको 9 से डिवाइड कर देंगे आप 4950। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 9545 होता है, तो ये हो जाएगा कितना 9-5 4, तो ये देखिए 45 हो गया, ये 5 नीचे आ जाएगा, 9545 ये कैंसिल हो गया, ये एक जीरो है तो ये जीरो यहाँ पे हो जाएगा, यानी आंसर जो होगा वो होगा 550। तो 550 रुपीज आंसर हो गया ऑप्शन बी, रुपीज 550। ओके फ्रेंड, तो ये आपको ये अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करें, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली सारी वीडियो आपको आसानी से मिलते रहें। Thank you for watching this video.